आज आपके लिए 20+20 8376 IC में एक और बोर्ड लाया हूँ, देख सकते हैं, फिनिशिंग चेक कर सकते हैं बोर्ड की। इसमें भी 8376 IC है, 20+20 है भी। इसमें भी आपको 7805 दिख जाती है 5 वोल्ट के लिए, और आपके ब्लूटूथ पैनल के लिए देख सकते हैं ग्राउंड और 5 वोल्ट। यहाँ आप इनपुट दे सकते हैं बोर्ड में, यहाँ आप 12 वोल्ट से लेकर 16 वोल्ट तक दे सकते हैं। जो हम इस वीडियो में टेस्टिंग करने वाले हैं इस बोर्ड की, 6-6 इंची के अपने वूफर हैं 80-17 में वाइट कलर के, और उसके साथ एयरटेक के ट्विटर हैं अपने ट्रैवल के लिए, और 400 वाट की अपनी हाईलाइट की सप्लाई होने वाली है, और पगारी हम ब्लूटूथ यूज़ कर रहे हैं इसमें। वाइट डिस्प्ले में हमारे पास अवेलेबल है, वाइट डिस्प्ले में आपको चाहिए तो अवेलेबल हो गया है हमारे पास, तो आप वाइट डिस्प्ले में भी ले सकते हैं पगारी या ब्लूटूथ। और बाकी वापस हम अपने बोर्ड पर आ जाते हैं, तो इस बोर्ड में आपको स्टीरियो बोर्ड है 20+20। हमने एक ये वीडियो भी बनाई थी इस बोर्ड की, ये भी 8376 IC में है, 20+20 ये भी बोर्ड है। दोनों बोर्ड अपने रेड कलर में आते हैं। अब आप पूछेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है। पहला डिफरेंस, इसमें हीट सिंक छोटी है, इस बोर्ड का साइज़ छोटा है, ठीक है। तो आपको जैसे छोटी जगह पर लगाना है तो आप ये बोर्ड लगा सकते हैं। इसमें 5 वोल्ट आउटपुट है, सेम है दोनों में। इसमें कैपेसिटर बड़े हैं और इसमें हीट सिंक छोटी है। और इसमें हम वहीं देख लेते हैं, तो इसके कैपेसिटर छोटे हैं, इसमें 4 कैपेसिटर मिल जाते हैं आपको 222 वाट 35 वोल्ट, और इसकी हीट सिंक बड़ी है और इसका थोड़ा साइज़ भी बड़ा है बोर्ड से, तो इसकी ये इतनी जल्दी हीट नहीं होगा क्योंकि इसकी हीट सिंक बड़ी है, ये थोड़ा जल्दी हीट हो जाएगा आपका। और आप 6-6 इंच के वूफर यूज़ कर रहे हैं तो 5 वोल्ट दोनों में सेम है, 12 वोल्ट से लेकर 16 वोल्ट तक आप ऑपरेट कर सकते हैं बोर्ड को, मगर मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप इसे 12 वोल्ट तक ही यूज़ करें, कि उसमें आउटपुट आपको अच्छी देगा ये बोर्ड। और भी गेन लेना है आपको, इसका और भी गेन लेना है तो आप LM324 BT यूज़ कर सकते हैं फ़िलिप्स में, अपनी ग्रो कलेक्शन की है, अपने फ़िलिप्स में रेजिस्टेंस होने वाली है, पूरी कैल्ट्रॉन में BT है। तो आप इसका इस बोर्ड में यूज़ करके हाई गेन के लिए आप यूज़ कर सकते हैं BT, और आप इसमें 8 इंची 10 इंची 120 तक के आराम से यूज़ कर सकते हैं अपने वूफर। जुपिटर वूफर अवेलेबल है हमारे पास, वो भी आपको मिल जाएंगे, कैटलॉग में आप जाकर चेक कर सकते हैं।